हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों स्कार्फ्ड जोर। स्कार्फ्ड ज्वाइंट जो होता है, ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये स्कार्फ्ड ज्वाइंट है। इसमें क्या किया जाता है कि जो दो वायर होते हैं, ठीक है, ये पतला पतला वायर होता है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, 2 mm 4 mm, ठीक है, ये जो होता है इसका ज्वाइंट किया जाता है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो ज्वाइंट है आपका, ठीक है, ये स्कार्फ ज्वाइंट है। इसमें क्या किया जाता है कि दोनों वायर को एक दूसरे के ऊपर रख के, ये जो दोनों वायर है एक दूसरे के ऊपर रख के, और फिर इसके ऊपर, ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के और इसके ऊपर ये पतला वायर लपेट दिया गया। क्या किया गया है? पतला वायर लपेट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्कार्फ ज्वाइंट क्या होता है, तो कह रहा है कि इस जोर का प्रयोग कम तनन दबाव वाले स्थानों पर किया जाता है। देखिए, कम तनन दबाव वाला स्थान क्यों है कह रहा है, क्योंकि ये जो वायर, ये जो ज्वाइंट किया गया है, ये जो आपका ये जो ज्वाइंट किया गया है, ये दोनों वायर सीधे सीधे है, मतलब इसमें खिंचाव अगर किया जाए तो ये दोनों वायर एक दूसरे के विपरीत में खिंचा सकता है, ठीक है, आसानी से खिंचा जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो होता है, स्कार्फ ज्वाइंट जो होता है, इसका प्रयोग कम तनन दबाव सहने वाले स्थानों पर किया जाता है, ठीक है। जैसे इसका प्रयोग हम लोग घरों में जो अर्थ वायर प्रयोग करते हैं उसका ज्वाइंट करने के लिए जो अर्थ वायर लगाया जाता है घरों में, वो GI वायर या कॉपर वायर का नंगा चालक होता है। नंगा मतलब बिना कवर वाला तार होता है, ठीक है, मोटा मोटा होता है, ठीक है, 8 नंबर का वायर होता है, वो मोटा वायर होता है। तो उसका ज्वाइंट करने के लिए हम स्कार्फ ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि इस जोर का प्रयोग कम तनन दबाव वाले स्थान, कम दबाव सहने वाले स्थान पर किया जाता है। यह ज्वाइंट करने के लिए दोनों वायर के टर्मिनल को एक दूसरे के ऊपर रखकर दूसरा पतला वायर लपेट दिया जाता है। मतलब ये दोनों वायर को एक दूसरे के ऊपर रख के और इस पर से पतला वायर लपेट दिया जाता है। और इस ज्वाइंट का प्रयोग घर की वायरिंग की अर्थ वायर के ज्वाइंट में किया जाता है, ठीक है। तो जो घर में वायरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जो मोटा मोटा वायर जो होता है, 8 SWG का जो वायर हम लोग प्रयोग करते हैं अर्थ वायर, या तो अर्थ वायर आपका GI वायर हो जाएगा नंगा चालक, या आपका कॉपर का नंगा चालक हो जाता है, बेयर कंडक्टर जिसे हम कहते हैं उसका। अगर मान लीजिए आप कवर वाला यूज करते हैं तो ग्रीन इंसुलेटर वाला वायर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर अलग ज्वाइंट हो जाएगा। अगर नंगा चालक है तो वहाँ पर हम इस ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं, स्कार्फ ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। हमारा अगला ज्वाइंट है टैप ज्वाइंट। टैप ज्वाइंट है, कह रहा है कि 2 mm स्क्वायर तक मोटाई वाले सिंगल वायर का बिना किसी तीसरे तार की सहायता से तैयार किया गया जोर टैप जोर कहलाता है। यह जोर केबल या वायर को ऐंठ कर तैयार किया जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। देखिए क्या होता है कि हम जो घरों में उपयोग करते हैं वो 2 mm 1 mm 1.5 mm, ठीक है, वो पतला पतला वायर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं नॉर्मल काम के लिए, तो वहाँ पर अभी तक हम जो भी ज्वाइंट कर रहे थे वो बेयर कंडक्टर मतलब कि नंगा चालक और मोटा मोटा वायर का हम ज्वाइंट कर रहे थे। तो मोटा मोटा वायर में क्या होता था कि दो वायर है, फिर इसके ऊपर एक तीसरा वायर लपेटा जाता था। क्या किया जाता है? तीसरा वायर लपेटा जाता था। तो यहाँ पर ये जो ज्वाइंट आपका आ रहा है टैप ज्वाइंट जो होता है, ये 2 mm स्क्वायर तक मोटाई वाला जो सिंगल वायर है, जैसे ये सिंगल वायर है, इसको इसी की सहायता से जोड़ किया जा रहा है, मतलब तीसरा वायर इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये वायर हो गया और ये वायर हो गया, इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, इसी की सहायता से, इसी वायर की सहायता से इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये
टैप ज्वाइंट कहलाता है। और टैप ज्वाइंट अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला ज्वाइंट है सादा टैप जोड़। कौन सा जोड़ है? सादा टैप जोड़, प्लेन टैप ज्वाइंट। सादा टैप जोड़ प्लेन टैप ज्वाइंट कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ज्वाइंट है ये प्लेन टैप ज्वाइंट है, सामान्य टैप जोड़ या सादा टैप जोड़ है। इसमें क्या है कि एक वायर है, ये आप जो देख रहे हैं ये एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, इसके बीच से इंसुलेटर हटाया हुआ है, बीच से इंसुलेटर हटाया हुआ है, और फिर ये दूसरा वायर लेके इसी के ऊपर लपेट दिया गया है। जो सामान्य हम लोग टी ज्वाइंट करते थे वही ज्वाइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पतला वायर में किया जा रहा है, तो ये टी ज्वाइंट ही है, मगर इसमें दूसरे वायर का प्रयोग नहीं किया गया है कि एक ये वायर है और एक ये वायर है, इसी वायर का इसके ऊपर लपेट दिया गया है, तो इसमें तीसरे वायर का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसे सामान्य टैप ज्वाइंट, सादा टैप जोड़, प्लेन टैप ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इस जोड़ का प्रयोग, इस जोड़ का प्रयोग किसी वायर या केबल से टैपिंग द्वारा सप्लाई लेने के लिए किया जाता है। यह जोड़ अधिक तनन दाब सहने वाला होता है और इस जोड़ को सोल्डरिंग किया जा सकता है, ठीक है। देखिए बहुत सारा आगे आपको ज्वाइंट हम दिखाएंगे मिलेगा, कोई कोई ऐसा ऐसा ज्वाइंट होता है जिसमें सोल्डरिंग नहीं हो पाता है या वह वायर सोल्डरिंग नहीं होता है, ठीक है। मगर ये जो आप देख रहे हैं सामान्य टैप ज्वाइंट, प्लेन टैप ज्वाइंट या सादा टैप जोड़, ये जो है आपका सोल्डरिंग होता है, ये क्या होता है? सोल्डरिंग होता है। तो आप इस ज्वाइंट को क्या कर सकते हैं? सोल्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल टी ज्वाइंट होता है। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? जैसे मान लीजिए ये फेज वायर जा रहा है, इससे हमें किसी लैंप को सप्लाई देने के लिए, मोटर को सप्लाई देने के लिए या किसी भी उपकरण को सप्लाई देने के लिए हमें फेज वायर की ज़रूरत है, फेज सप्लाई की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये टैपिंग करके जोड़ दिया गया और ये हमने फेज वायर ले लिया, तो ये कौन सा ज्वाइंट हो गया? टैप ज्वाइंट हो गया, सादा टैप ज्वाइंट हो गया, ठीक है। और ये खिंचाव आपका सहन करेगा क्योंकि ये वायर है इसमें लपेटा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम इस वायर को खींचते हैं तो ये आपका तनन दाब सहेगा, ठीक है। थैंक यू।